Good morning, students. Class 2, EVS. Today we are going to read chapter 19, Weather and Seasons. Students, देखो weather का मतलब होता है मौसम और season का मतलब है ऋतु. तो इस chapter में हम weather और season के बारे में पढ़ेंगे. चलिए शुरू करते हैं weather से. देखो weather का मतलब मैंने आपको बताया मौसम. Our earth is surrounded by a layer of air called atmosphere. देखो हमारी जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसके चारों तरफ एक हवा की लेयर है, परत है, जिसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल. द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेदर. देखो जो एटमॉस्फेयर के एक पर्टिकुलर टाइम पे जो कंडीशन होती है उसे वेदर कहा जाता है, यानी मौसम कहा जाता है. वेदर कीप्स चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे. और जो ये मौसम है वो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, एक सा नहीं रहता, ये हर दिन एक सा नहीं रहता. देखो जैसे नीचे दिया गया, आपको पिक्चर्स के थ्रू समझाया गया है वेदर कैन भी, मौसम कैसा हो सकता है. हॉट मतलब गर्म हो सकता है, कोल्ड ठंडा हो सकता है, रेनी यानी बारिश वाला हो सकता है, विंडी मतलब हवा चलती है जब वैसा हो सकता है, स्टॉर्मी तूफान वाला हो सकता है, स्नोई बर्फ़ गिरने वाला हो सकता है. तो मौसम कैसा भी हो सकता है, ये हमने पढ़ा वेदर के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीजन्स, मतलब सीजन होता है ऋतु. अब सीजन की डेफिनेशन देखो आपको यहाँ दी गई है, व्हेन द वेदर रिमेंस द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम इट इज़ कॉल्ड सीजन. देखो जब आपका जो वेदर है, मौसम है, वो एक लंबे समय तक सेम एक जैसा रहता है तो उसे कहा जाता है सीजन यानी ऋतु. जैसे कि देखो गर्मियों के मौसम में, जो गर्मियों का सीज़न होता है समर सीज़न, उसमें गर्मी रहती है तो मौसम हॉट गर्म रहता है. और देखो जब आपका विंटर सीज़न आता है, सर्दियों का मौसम आता है, तो जो मौसम है आपका कैसा रहता है, वो सर्दियों का जब सीज़न आता है तो उसमें आपका वेदर ठंडा रहता है. तो इस तरीके से देखो जब एक लंबे समय के लिए आपका जो वेदर है वो सेम रहता है तो उसे कहा जाता है सीज़न. देयर आर थ्री मेन सीजन्स इन आर कंट्री. हमारी कंट्री इंडिया में थ्री मेन सीजन्स होते हैं. देखो वो है समर, विंटर एंड मानसून. तो आपको इन तीनों मेन सीजन्स को के नेम्स को लर्न करना है विद स्पेलिंग. अब हम आगे बढ़ते हैं. देखो समर, विंटर, मानसून, इन तीनों सीजन्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे. फर्स्ट देखो आपको दिया गया है समर. समर सीज़न होता है आपका गर्मियों का मौसम. इन समर्स द सन शाइंस ब्राइटली थ्रू आउट द डे. देखो समर्स में, गर्मियों में क्या होता है, जो सन होता है, सूरज होता है, वो बहुत ही चमकदार होता है, बहुत ब्राइट होता है पूरा दिन, यानी उससे बहुत गर्मी निकलती है. और जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं. वी फील कम्फर्टेबल इन कॉटन क्लोथ्स. और गर्मियों में, समर्स में हम कॉटन क्लोथ्स पहन के कम्फर्टेबल, आरामदायक महसूस करते हैं. और इस सीज़न में हम आइसक्रीम खाना और कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ठंडी ठंडी चीज़ें खाना पीना पसंद करते हैं. तो ये था आपका समर सीज़न. देखो यहाँ पिक्चर भी दी गई है आपको. नेक्स्ट है विंटर सीज़न, यानी सर्दियों का मौसम. इन विंटर्स द कोल्ड विंड्स ब्लो थ्रू आउट द डे. तो देखो विंटर्स में क्या होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है पूरा दिन, हर तरफ ठंड रहती है. और इनमें देखो विंटर सीजन में जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं. और विंटर सीज़न में हम वुलन क्लोथ्स पहन के अपने आप को वार्म गर्म रखते हैं. तो विंटर सीज़न में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. और वी लाइक टू हैव टी एंड कॉफ़ी. वी लाइक टू सिट इन द सन. और उसके साथ साथ विंटर सीज़न में हम चाय और गरम गरम चाय और कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं और सूरज की गर्मी में बैठना पसंद करते हैं. कब? विंटर सीज़न में. नेक्स्ट है देखो आपका थर्ड सीज़न, मानसून, यानी बरसात का मौसम. इन रेनी सीज़न इज़ ऑल्सो कॉल्ड मानसून. सॉरी, द रेनी सीज़न इज़ ऑल्सो कॉल्ड मानसून. देखो रेनी सीज़न को ही मानसून कहा जाता है, कन्फ्यूज़ मत होना. रेनी सीज़न और मानसून दोनों आपके सेम है. रेनी सीज़न लिखा हो चाहे मानसून लिखा हो, इनका मतलब एक ही है, यानी बरसात का मौसम. इट रेन्स ऑल द टाइम इन दिस सीज़न. तो इस सीज़न में क्या होता है, हर टाइम बारिश होती रहती है. वी यूज़ अम्ब्रेलास, रेनकोट्स एंड गम बूट्स टू कीप आवरसेल्व्स ड्राई इन दिस सीज़न. तो इस सीज़न में हम खुद को बारिश में गीला होने से बचाने के लिए रेनकोट्स, गम बूट्स, अम्ब्रेलास का यूज़ करते हैं. चिल्ड्रन लाइक टू सेल पेपर बोट्स इन द पूल ऑफ वाटर. इसके साथ साथ देखो जो बच्चे होते हैं बारिश में नहाना पसंद करते हैं, और बारिश में जो पानी इकट्ठा हो जाता है, बारिश का पानी, उसमें पेपर की बोट बना के उसे चलाना पसंद करते हैं. देखो आपको तो ये हमने थ्री मेन सीजन्स पढ़े इंडिया के. अब देखो डू यू नो में आपको दिया गया है, क्या आप जानते हो.
हैवी रेन कॉजेज फ्लड, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है बहुत ज़ोरों ज़ोरों से और लगातार बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है तो उससे क्या होता है, फ्लड यानी बाढ़ आ जाती है। जब बहुत सारा पानी आता है फ्लड को कहते हैं बाढ़। और बाढ़ क्या करती है, ये जीवन को और संपत्ति को ख़त्म कर देती है। फ्लड्स कैन डिस्ट्रॉय आर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये इससे क्या होता है, लोगों की जानें चली जाती हैं, उनका घर, उनका सामान, उनका पैसा दौलत सब कुछ बाढ़ में नष्ट हो जाता है। तो जो फ्लड है वो लाइफ और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय ख़त्म कर देती है। आगे देखो, अब देखो, अब दिया गया है आपको स्प्रिंग सीज़न। दिस सीज़न फॉल्स बिटवीन विंटर एंड समर। देखो जो स्प्रिंग सीज़न है ये आपका विंटर और समर के बीच में आने वाला सीज़न है, यानी जब विंटर आपकी ख़त्म होने वाली होती है और समर स्टार्ट होने वाला होता है तो आपका आता है स्प्रिंग सीज़न यानी वसंत ऋतु, इसे हिंदी में कहते हैं वसंत ऋतु। तो इस सीज़न में क्या होता है, जो वेदर है, मौसम है, बहुत ही प्लीजेंट होता है यानी सुहावना मौसम होता है। इट इज़ द सीज़न ऑफ फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज दैट मेक आवर सराउंडिंग ब्राइट एंड कलरफुल। तो ये जो सीज़न है, ये इस सीज़न में जो फ्लावर्स हैं वो खिल उठते हैं, उन पर बटरफ्लाइज बैठती है और हर तरफ बहुत ही सुहाना सुहाना सा मौसम रहता है। हमारे चारों तरफ बहुत ही हरियाली रौनक रहती है और रंग बिरंगा आसपास हमारा होता है। तो ये हमने पढ़ा स्प्रिंग सीज़न के बारे में। आगे देखो, आपको दिया गया है ऑटम। ऑटम का सीज़न है आपका पतझड़ का मौसम। तो देखो ऑटम के बारे में पढ़ते हैं। दिस सीज़न फॉल्स बिटवीन मानसून एंड विंटर। ये सीज़न आपका मानसून और विंटर के बीच में आता है। द वेदर इज़ ड्राई एंड विंडी। तो इस टाइम मौसम कैसा होता है, ड्राई यानी सूखा होता है, विंडी यानी हवाएं चलती हैं, एकदम सूखा सा ड्राई सा मौसम होता है और इसमें हवाएं चलती हैं। द ट्रीज शेड देयर लीव्स। और जो पेड़ होते हैं वो अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, उनसे पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए सीज़न को पतझड़ यानी ऑटम सीज़न कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में, चैप्टर 19 में हमने वेदर और सीज़न के बारे में पढ़ा और सीज़न हमारे इंडिया में कौन कौन से मेन सीजन्स हैं उनके बारे में पढ़ा, उन सीजन्स में कैसा वेदर होता है, मौसम होता है, उन सीजन्स में हम कैसे कपड़े, कैसा खाना पसंद करते हैं, ये सभी हमने इस चैप्टर